जय हिंद साथियों, मैं राकेश मेहता एयर वेटरन और मोटिवेशनल स्पीकर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक शहर में एक सेठ रहता था। बहुत अमीर था परंतु हमेशा नाखुश रहता था अपने आप से और सभी से। उसके साथ में एक नौकर भी था, वो बहुत खुश रहता था। जब भी सेठ के साथ कुछ भी गलत अनुभव होता था या कटु अनुभव होता था, हमेशा वो भगवान को गालियाँ देने लगता था और अनाप शनाप बोलने लगता था। ये बात नौकर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। ककड़ी थोड़ी सी कच्ची और कड़वी थी, तो उसने वो खाते खाते छोड़ के एक अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बहुत ही स्वाद लेकर के खाना शुरू कर दिया और बहुत आनंदित हो गया। उसे देख सेठ चकरा गया और बोला, अरे रामू, तुझे ये कड़वी और कच्ची ककड़ी अच्छी लग रही है? तो नौकर ने बोला, जी सेठ जी, ये तो बहुत स्वाद है। तो उसके दोबारा पूछने पर नौकर ने कहा कि सेठ जी, आप मुझे रोज इतना स्वादिष्ट भोजन करवाते हो, कभी कभार अगर कुछ अच्छा ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ जी उसका मतलब समझ गए और उसका इशारा बिल्कुल सही समझ गए। ध्यान दे दोस्तों, अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं हमें दी हैं और कभी कुछ गलत अनुभव हो भी जाए, मुसीबत आ जाए, तो उसमें परमात्मा के ऊपर संदेह करना ठीक नहीं है। वह नौकर और कोई नहीं, प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम लुकमान थे। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वरीय ड्रामा है, यानी इसे हम एक नाटक भी कह सकते हैं, जो कि निश्चित है और बना बनाया है। शायद हमारी बुद्धि वर्तमान समय में उसे समझ ना सके, परंतु उसमें हमारा ही हित है। तो साथियों, इस महामारी के लिए भी ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है और उसको शिकायत करना तो बिल्कुल गलत है, बल्कि ऐसे में हम उस परम पिता परमात्मा की याद में रह करके, उसकी छत्र छाया में रह करके स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी नेगेटिविटी से दूर रह करके, परमात्मा की याद में रह करके, सबकी सुख शांति के लिए हमेशा दुआएं करें, शुभ कामनाएं दें, शुभ भावना रखें सभी के प्रति। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू।